हिमाचल सरकार के ढुलमुल रवैये से गुस्साए हजारों बेरोजगार कला अध्यापकों द्वारा बिलासपुर में राज्य स्तरीय आक्रोश रैली निकालकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार कला अध्यापक संघ प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने बताया कि हालांकि हिमाचल सरकार ने विभिन्न श्रेणी के 3,636 अध्यापकों के खाली पद भरे जाने की हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि राज्य के मिडिल व हाई स्कूलों में कला अध्यापकों के करीब 1400 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। हिमाचल सरकार के ढुलमुल रवैये से गुस्साए हजारों बेरोजगार कला अध्यापकों द्वारा बिलासपुर में राज्य स्तरीय आक्रोश रैली निकालकर सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए सैकड़ों बेरोजगार कला अध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में बिलासपुर में जुटे थे। प्रदेश के बेरोजगार कला अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने जानकारी में बताया कि बेरोजगार कला अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी को थक हार कर प्रदेश भर के कला अध्यापकों को एकत्रित होकर बिलासपुर में रोष रैली निकालने को मजबूर होना पड़ा। बेरोजगार कला अध्यापक संघ प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने बताया कि हालांकि हिमाचल सरकार ने विभिन्न श्रेणी के 3,636 अध्यापकों के खाली पद भरे जाने की हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, लेकिन हैरानी इस बात की है राज्य के मिडिल व हाई स्कूलों में कला अध्यापकों के करीब 1400 से भी अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कला अध्यापकों के खाली पदों को भरने के बारे में प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे पता चलता है कि हिमाचल सरकार जानबूझकर प्रदेश भर के सरकारी मिडिल व हाई स्कूलों में हजारों की संख्या में लंबे अरसे से खाली पड़े कला अध्यापकों के पदों को भरने के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। भारद्वाज बेरोजगार कला अध्यापक संघ का राज्य अध्यक्ष, आज जो है हमने बिलासपुर में जो है सरकार ने जो कैबिनेट में जो है 3,636 पद भरे, इसमें जो है कला अध्यापक का एक भी पद नहीं भरा। जो आर एंड पी रूल जो आरटी एक्ट के का हवाला देते हुए बताया कि हमें जो है ये आपकी डिमांड नहीं भरी जा रही है। हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि जो है स्टैंडिंग पुल की शर्तों को यथा हटाया जाए और जो है 1400 रिक्त पद जो है हिमाचल में चले उनको जो है उनको नियुक्तियाँ प्रदान करें। बेरोजगार कला अध्यापकों का कहना है कि प्रदेश सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद इनकी मांग को हिमाचल सरकार द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हिमाचल सरकार कला अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने की वजह से मिडिल व हाई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कला विषय से महरूम रहना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हाल ही में होने वाली विधानसभा की शीतकालीन सत्र में अगर कला अध्यापकों के पदों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया तो कला अध्यापक प्रदेश में उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। सीमा शर्मा, आज बिलासपुर में जो आक्रोश रैली हुई है उसके माध्यम से इस सरकार को ये अवगत करवाना चाहती हूँ, यदि वो हमारी मांगों को, जैसे हमारा डाइंग केडर कर दिया है, हमारी पोस्टें हमें छोटे से एक लॉलीपॉप की तरह हमारी पोस्टें निकाल रही हैं, एक या दो के हिसाब से निकाल रही हैं, हमारी जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकाले, यदि वो हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम इसके लिए जो है वो कोई भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये रास्ता अपनाया है, लेकिन वाले समय में चाहे हमें अपने जान की बाजी लगानी पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जो भी करना पड़े, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से ये अनुरोध करती हूँ अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से, कि अभी तो हम कुछ थोड़ी सी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ 6,000 जो बेरोजगार अध्यापक हैं वो जुड़े हुए हैं। और जो अब मेरे तो सरकार से एक प्रश्न ये भी है कि वो प्राइवेट स्कूल में जब एक कला अध्यापक नहीं होता है तो उसको क्या करती है, उसकी एफिलिएशन रद्द कर रही है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो अध्यापक को, कला अध्यापक को डाइंग केडर में डाल रही है। आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा बद्दर व्यवहार किया जा रहा है? इसके साथ ही जो शास्त्री और एलटी हैं वो भी तो सीएनडी के ही पुर्जे हैं, वो सीएनडी के ही बीच में आते हैं, फिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमें क्यों पीछे रखा जा रहा है? जो अभी 3600 कुछ पोस्टें इन्होंने निकाली उसमें हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है? यदि आने इस विधानसभा सत्र में हमारी मांगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो हम आने वाले एक महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि जिसका जिम्मेदारी पूरी सरकार को उठानी पड़ेगी और उसकी भरपाई हमारी सरकार को ही देनी पड़ेगी। धन्यवाद।